अस्सलाम वालेकुम सीनियर टू के स्टूडेंट्स, तलबा तालिबात, मेरी जानिब से इन ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में खुश आमदीद। और आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं, तर्जुमा नवेसी के हवाले से है। हमने इस मौजू को शुरू किया था और उसी का सिलसिला है जो कि आज या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर जारी रहेगा, मगर आज की क्लास जो है वो इसी पर होगी। गुज़िश्ता क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि तर्जुमे की दो अकसाम हैं, लगवी और लफ्जी, और बहुत सारी बातें आपको बताई थी किन किन चीज़ों की आपके पास आज़ादी है और किन किन चीज़ों की आज़ादी आपके पास नहीं है। ये सब मैंने आपको बताया था। अलबत्ता आप लोगों के जहनों से कई सारी बातें निकल गई होंगी, तो आपकी आसानी के लिए मैंने उन तमाम निकात को जो कि मैंने गुज़िश्ता क्लास के अंदर आपकी खिदमत में पेश किए थे, वो तहरीरी शक्ल में यहाँ पे यकजा कर दिए हैं ताकि आप उनसे इस्तेफादा करें और जब आप तर्जुमा करने के लिए बैठें तो आपको हर एक बात याद रहे। तो चलते हैं। ज़रूरी हिदायत। सबसे पहली बात, इबारत को 2 से 3 बार पढ़कर उसके मानी और मफहूम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल है कि बेटा कोई ऐसा ज़हीन और नाबग़ै रोज़गार यानी कि जीनियस, नाबग़ै रोज़गार यानी जीनियस, कोई ऐसा बंदा हो, कोई शख्स हो कि जो एक दफ़ा पढ़ के पूरी इबारत समझ जाए। इबारत को 2 से 3 बार तो हर कोई ही पढ़ता है, तो आपको जब पहली मरतबा आप पढ़ें और आपको उसके मानी समझ ना आए तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसे दोबारा पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, हत्ता कि आपको उसके मानी समझ आने लगे। फिर क्या करें? फिर जुमलों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दें और मुनकसिम हिस्सों का तर्जुमा बारी बार कर बारी करिए। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक ही जुमले के अंदर कॉमा होता है, कई जगहों पे कॉमा नहीं होता, मगर मैंने उससे कहा, जैसे एक जुमला है, मैंने उससे कहा यहाँ आओ। अब इसमें मैंने उससे कहा यहाँ आओ, ये दो अलग अलग, आप इनको इस एक ही जुमले के दो हिस्से कर सकते हैं। मैंने इसको आप अलग हिस्सा नहीं कर सकते, मैंने उससे कहा, ये पूरा एक हिस्सा हो गया, एक बात हो गई, क्या कहा वो दूसरी बात हो गई। तो आपको क्या करना है, अपना काम आसान करने के लिए जो आपके पास इबारत है, जो आपके पास पैसेज है, आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दें। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल है, अभी मैं इसको तफसील में जाके करूंगा, अभी से मैं अपना दूसरा नुकता समझाने के लिए इससे इस्तेफादा कर रहा हूँ। इट इज सैड डेट प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स ब्रिंग्स पीपल क्लोज टुगेदर। अब ये तो खैर पूरा एक ही है। इन मोस्ट केसेस दे आर वेरी इंजॉयबल वेज ऑफ नॉट कीपिंग फिट बट ऑफ लर्निंग हाउ टू डील विद लाइफ अप्स एंड डाउन्स। अब इन मोस्ट केसेस, ये तो कॉमा, ये तो आसान है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, अलग अलग करना है आपको, आपको बेसिकली इसके टुकड़े कर दें कि आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। इन मोस्ट केसेस, ये एक टुकड़ा हो गया। दूसरा, दे आर वेरी इंजॉयबल वेज ऑफ नॉट कीपिंग फिट, ये एक बात हो गई, सही है। दूसरी बात, बट ऑफ लर्निंग हाउ टू डील विद लाइफ अप्स एंड डाउन्स, ये तीसरी बात हो गई। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दें, मगर इन दोनों टुकड़ों का आपस में ताल्लुक भी है बट के साथ। बट जो होता है वो कंजंक्शन होता है, दो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है ना, दो सेंटेंसेस को, तो इनके बीच में जो कंजंक्शन है वो रहेगा। और जब आप फाइनल ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अभी जब आपने 2 से 3 दफ़ा इबारत पढ़ ली तो आपने उसके जुमलों को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया कि ये वाली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्या दे आर वेरी इंजॉयबल वेज ऑफ नॉट कीपिंग फिट, सही है। ये बहुत मज़ेदार तरीक़े हैं, सही है, ना सिर्फ तंदुरुस्त रहने के, नॉट ओनली कीपिंग फिट, ये बात हो गई, बट ऑफ लर्निंग हाउ टू डील विद लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुकाबला करना, का मुकाबला सीखने के लिए भी। अभी ये मैं सिर्फ एक रफ सी ट्रांसलेशन अभी कर रहा हूँ, मैंने पूरी लिखी हुई भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको हिस्सों में तोड़ना है। दीज लेसन इंक्लूड वर्किंग टूगेदर एज अ टीम, अब ये एक बात खत्म हो गई, इन असबाब में शामिल है ये,
बहैसियत टीम एक साथ काम करना, ये पूरी बात हो गई। एंड एक्सेप्टिंग विनिंग एंड लूजिंग विदाउट गेटिंग टू अपसेट, ये तीसरी बात, ये इसके बाद का हिस्सा, अगला हिस्सा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो पैसेज है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मर्जी के हिसाब से आप तोड़ दें। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप उसको तोड़ रहे हैं बराबर वाला भी उसी तरीके से तोड़ रहा होगा, या आपकी अपनी आसानी के लिए। या अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं इतना जीनियस हूँ कि मुझे इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है, तो आप ना करें, आप पूरे पूरे जुमले कर लें, लेकिन ये सिर्फ काम को आसान बनाने के लिए एक तरीका है। मुनकसिम का मतलब होता है, कुछ बच्चे घबरा गए होंगे सर ये मुनकसिम का क्या मतलब है। मुनकसिम का मतलब है कि वही जो तकसीम आपने की हुई है, जो आपने पार्टीशन की हुई है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है जुमलों की, वो। फिर क्या करना है, मुश्किल अल्फाज को खत कशीदा करके उनके मानी लिख लीजिए। खत कशीदा करना यानी अंडरलाइन करना। अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनको अंडरलाइन कर लें कि भाई ये अल्फाज मुश्किल है। अब अपना जहन दौड़ाएं कि भैया इसका क्या मतलब है। अगर आपकी लुगत में वो लफ्ज़ पहले से था, आपकी अपनी लुगत यानी आपके अपने जहन में पहले से था, तो फिर तो आप कर लेंगे। नहीं है तो क्या करें, तो अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। ये वाली बात मैं आगे जाके बताऊंगा। किसी भी इबारत का हूबहू तर्जुमा नामुमकिन है। अच्छा बेटा ये बात याद रखना, चाहे बंगाली से उर्दू में कर रहे हो, उर्दू से फारसी में कर रहे हो, फारसी से अंग्रेजी में कर रहे हो, अंग्रेजी से उर्दू में कर रहे हो, तर्जुमा, अच्छा ये तर्जुमी हो गया, ये तर्जुमा है, ठीक है। किसी भी जबान से किसी भी जबान के अंदर 100% तर्जुमा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि असल मतन के करीब तरीन हो। अच्छा अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों है कि भाई किसी भी जबान का किसी भी दूसरी जबान के अंदर तर्जुमा नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि बेटा हर मुल्क की अपनी जबान है, ठीक है, हर मुल्क की जो अपनी जबान है वो उस मुल्क के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो इसलिए 100% तर्जुमा कर लेना, इस चीज में कामयाब हो जाना कि भाई एक एक चीज जैसे इस जबान में थी वैसे मैंने मुंतकिल कर दी है, ये नामुमकिन है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना मैं करीब हो सकता हूँ असल मतन के उतना हो, ठीक है बेटा। फिर पूरी कोशिश के तर्जुमा लफ्जी हो। अच्छा ये सब वही बातें बेटा जो पिछली क्लास में बताई थी, कुछ नई बातें भी हैं इसमें, और ये मैं बता चुका हूँ कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि तर्जुमा लफ्जी होना चाहिए। हाँ वो नुक्ते, वो मकामात के जहाँ पे लफ्जी तर्जुमा नहीं हो सकता, लुगवी तर्जुमा करना है, वहां आप लुगवी तर्जुमा करेंगे। सिर्फ जहाँ जरूरत हो वहां लुगवी तर्जुमा कीजिए, वरना आपकी 100% कोशिश यही होनी चाहिए कि तर्जुमा मैं लफ्जी करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे मकामात होते हैं कि जहाँ से आप गुजर ही नहीं सकते लुगवी तर्जुमा करे बगैर, जहाँ पे आपको मफहूम लिखना है, जैसे मैंने कल बताया था मुहावरात हो गए, जरबुल इमसाल हो गई, सही है, तो वहां पे तो आप लफ्जी तर्जुमा आप नहीं कर सकते। अगर कोई नामानूस लफ्ज आ जाए तो जुमले और इबारत के मुताबिक तर्जुमा कीजिए, सही है। अच्छा वाह आप इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर दें। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने अभी बोला था, बताया था ना आपको कि आगे ये बात आएगी, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें ऐसा लफ्ज आ जाता है आपको पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, तो उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से मानी निकालना, सही है। जब अली अपनी क्लास में फेल हो गया, ठीक है, तो वो बहुत रंजीदा था। अब शायद कुछ बच्चों को रंजीदा के मानी ना पता हो, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी क्लास में फेल होने पर कोई भी इंसान खुश तो होगा नहीं, तो रंजीदा का मतलब अफसरदा ही होगा। ये आप अपनी कॉमन सेंस के जरिए पता कर सकते हैं कि भाई इस लफ्ज़ का इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सही है, इस कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं सयाको सबाक। इस सयाको सबाक के अंदर, इस पस मंजर में, इस बैकग्राउंड में क्या इस लफ्ज़ के क्या मानी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है, और वो मकामात के जहाँ पे ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुने हैं, घबराए बगैर आपको करना है। मुहावरात का लफ्जी तर्जुमा ना कीजिए, ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू से अंग्रेजी में कर रहे हैं और मुहावरा आ जाता है दिल बाग बाग हो गया, तो आप उसको अंग्रेजी में नहीं कर सकते कि माई हार्ट गोज गार्डन गार्डन, है ना, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आपको वहां पे जो मफहूम है वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है? तो मुहावरात और कहावतों का तो लफ्जी तर्जुमा नामुमकिन है, वहां पे तो आपको मफहूम तक ही पहुंचना है, ठीक है? जुमले की हय्यत को तर्जुमे के दौरान तब्दील करने की इजाजत होती है, हय्यत कहते हैं स्ट्रक्चर को। और ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आगे पीछे हो सकते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर सब्जेक्ट पहले है, आप उर्दू और ऑब्जेक्ट बाद में, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी में उर्दू के तर्जुमे में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, आप उसमें आगे पीछे कर सकते हैं, जब आप उसको पढ़ें तो वो खूबसूरत लगे, सही है? तो इस बात की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन आप कट कर दें, ठीक है? कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी लफ्ज़ का तर्जुमा ना भी करो तो बात हो जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है वो लफ्ज़, ठीक है? तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को आप नहीं कट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको खुलासा नहीं करना, आपको तर्जुमा करना है, एक एक बात बतानी है। तो किसी चीज़ को कट करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। असल मतन में मौजूद जमाने में किसी किस्म की तब्दीली की इजाज़त नहीं, यानी ग्रामर। अगर एक चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो आप प्रेजेंट में ही अली अगर प्रेजेंट में सेब खा रहा है तो तर्जुमे में भी वो प्रेजेंट में ही खाएगा, प्रेजेंट में ये नहीं कर देगा कि वो सेब खाएगा। यानी असल मतन में अगर कोई फेल हाल में हुआ है तो वो तर्जुमे में भी हाल में ही रहेगा। कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है वो प्रेजेंट में रहेगी, जो पास में था वो पास में, जो पास परफेक्ट में था वो पास परफेक्ट रहेगा, ठीक है? जो फ्यूचर था वो फ्यूचर में रहेगा, वगैरह वगैरह। सही है, आप कवायद में तब्दीली बिल्कुल नहीं कर सकते, कवायद आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है बेटा? तो अब मैं एक आपकी आसानी के लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत लगती है बेटा इसमें, आप लोगों के लिए हम करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएं। ये आपके पास पेपर से एक सवाल है जो मैंने निकाला था ताकि मैं आप लोग को बताऊं कि हम किस तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत काम की बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता होगी, बहुत हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, वो ये कि बेटा एक तो ये कि पास पेपर्स आप पापा कैम्ब्रिज से तलाश कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। आपने जाके गूगल पे लिखना है पापा कैम्ब्रिज और वहाँ पे जाके आपको ढूंढना है उर्दू के पेपर्स, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको क्या करना है, पापा कैम्ब्रिज पे जाके उर्दू के पेपर्स आप सर्च कर दें, ओ लेवल उर्दू सिलेबस भी सब, आप सबको वो सब बातें आती होंगी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सालों के पर्चे हैं, 2011 नवंबर, आपको समझाने के लिए मैं ये खोल लेता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 फाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकंड नंबर पे जो इसमें डॉक्यूमेंट है ना उसे आप खोलें, व्यू कर दें आप। ये है मार्किंग स्कीम, ये होती तो टीचर्स के लिए है बेटा, लेकिन आप लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। क्योंकि आपका अपियरिंग बैज है इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। इससे आप लोग तर्जुमे का जो मामला है ना उसके अंदर आप लोग हर एक, जैसे इस ये जो पेपर है जिस भी साल का है बेटा, इसके अंदर जो तर्जुमे की इबारत थी उसके एक एक जुमले का यहाँ तर्जुमा हुआ हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, सबसे पहले तो आपको इसको नहीं देखना, आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे उसको टैली करने के लिए, आप यहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं कि भाई इस जुमले का ये तर्जुमा है, इस जुमले का ये तर्जुमा है, ठीक है जी? और इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें भी हैं इसमें कि भाई किस चीज़ के कितने नंबर हैं, जबान के कितने नंबर हैं, मवाद के कितने नंबर हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा आपके लिए, ठीक है बेटा? चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है जी, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इट इज सेड डेट प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टुगेदर। इट इज सेड, कहा गया है कि टीमों वाले खेल, असल मतन में क्या था, प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स। अगर मैं इसका लफ्जी तर्जुमा कर दूंगा, टीम इज प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, इसका मतलब है वो खेल के जिसके अंदर टीमें हों। सही। अब टीम स्पोर्ट्स का लफ्जी तर्जुमा हो जाएगा टीम खेल। इट कहा जाता है टीम खेल खेलना। सही है, तो ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि लफ्जी तर्जुमा यहाँ नहीं है, यहाँ लुघवी तर्जुमा करना पड़ेगा। कहा गया है कि टीमों वाले खेल, टीम स्पोर्ट्स, टीमों वाले खेल खेलना लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। सही है, प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, इसलिए खेलना। अब आप यहाँ पे प्लेइंग है, प्लेइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इसका मतलब है खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं करें आप बिल्कुल ही। बच्चों वाले तर्जुमा तो आप नहीं करेंगे, तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी बेटा। कहा गया है कि टीमों वाले खेल खेलना लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। इन मोस्ट केसेस दे आर वेरी इंजॉयबल वेज ऑफ नॉट ओनली कीपिंग फिट। अब ये पहला हिस्सा था, पहले हम इसका देखते हैं हमने क्या तर्जुमा किया। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर, ये बहुत मजेदार तरीके हैं ना सिर्फ तंदुरुस्त रहने के, ठीक है, ऑफ नॉट ओनली कीपिंग फिट, ना सिर्फ तंदुरुस्त रहने के, बट ऑफ, इसका क्या होगा, बल्कि, बल्कि जिंदगी के नशेबो फराज का सामना करने के तरीकों को सीखने के। सही, ऑफ लर्निंग हाउ टू डील। सही है, उसका डील करना यानी उसका मुकाबला करना, उसका सामना करना। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव। उस उतार चढ़ाव को नशेबो फराज भी कहते हैं, आप इसकी जगह उतार चढ़ाव का लफ्ज भी लिख सकते थे। सही है, ओनली बट ऑफ लर्निंग हाउ टू डील विद लाइफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, दीज लेसन इंक्लूड वर्किंग टूगेदर एज अ टीम। मैंने क्या किया इसका तर्जुमा, इनमें, दीज लेसन्स, इनमें बहसियत टीम एक साथ काम करना। सही है, दीज लेसन इंक्लूड वर्किंग एज अ टीम एंड एक्सेप्टिंग विनिंग एंड लूजिंग विदाउट गेटिंग टू अपसेट। सही है, एंड और कबूल करना और उदास हुए बगैर, ये देखें, इनमें बहसी टीम एक साथ काम करना और उदास हुए बगैर फतह और शिकस्त को कबूल करना शामिल हैं। अब आप ये देखें कि जो अंग्रेजी की इबारत थी, इंग्लिश की जो इबारत थी बेटा, उसके अंदर इंक्लूड का लफ्ज पहले है। दीज लेसन इंक्लूड वर्किंग टुगेदर एज अ टीम एंड एक्सेप्टिंग विनिंग एंड लूजिंग विदाउट गेटिंग टू अपसेट। लेकिन जो उर्दू का इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, उर्दू का जो तर्जुमा है उसके अंदर शामिल का लफ्ज सेकेंड लास्ट है, और जो इंग्लिश का इबारत है उसके अंदर इंक्लूड लफ्ज थर्ड लफ्ज था। क्यों, मैंने क्या किया, आगे पीछे कर दिए अल्फाज। क्यों, क्योंकि अगर शुरू में शामिल लफ्ज लिखता तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। सही है, इनमें बहैसियत टीम एक साथ काम करना शामिल है और उदास हुए बगैर फतह और शिकस्त को कबूल करना शामिल, कितना बुरा लग रहा था, तो मैंने अल्फाज आगे पीछे कर दिए। आप ये भी देखेंगे, उदास हुए बगैर फतह और शिकस्त को कबूल करना, मैंने तर्जुमे में ये किया। ओरिजिनल में क्या था, एक्सेप्टिंग विनिंग एंड लूजिंग विदाउट गेटिंग टू अपसेट। अपसेट होने वाली चीज आखिरी आखिर में बताई गई थी अंग्रेजी में, उर्दू में मैंने उर्दू का जो तर्जुमा किया उसमें विदाउट गेटिंग टू अपसेट वाली चीज को पहले कर दिया, उदास हुए बगैर। हालांकि अंग्रेजी की जो इबारत थी उसमें ये चीज एंड में आ रही है इस जुमले में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम करते हैं। ये दो तीन जुमले थे जो मैंने तफसील से बताया, मैं सिर्फ पढ़ लूंगा, आगे आप खुद समझ सकते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर डेट द मेन पर्पज ऑफ एनी स्पोर्ट्स इज सिंपली टू हैव फन एंड स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। मगर ये आप जरूर याद रखें कि किसी भी खेल का असल मकसद महज तफरी और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना होता है। सिंपली का मैंने क्या तर्जुमा किया, महज, इसमें ये काम की बात बताने की थी। हाउ एवर सम पीपल इन इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव इन थिंक दैट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू विन एट ऑल कॉस्ट। अलबत्ता कुछ लोग इस जदीद दुनिया में के जहाँ हम रहते हैं, ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी हर कीमत पर जीतना होता है, एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर। अब अंग्रेजी के अंदर कॉस्ट का आखिरी लफ्ज हमने पहले डाला है। टीम कोचेस कैन गेट देयर यंग टीम्स टू प्ले टू हार्ड एंड समटाइम्स दिस रिजल्ट्स इन फाइट ऑन द पिच।
टीम के कोच अपनी जवान टीम से बहुत मेहनत करवा सकते हैं और इसका नतीजा कभी कभार मैदान में लड़ाई झगड़े होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वन वेरी एक्सपीरियंस कोच ओपिनियन इज दैट दिस मे बी हैपनिंग बिकॉज स्पोर्ट्स इज नाउ सीन एज अ वे आउट ऑफ पॉवर्टी। एक बहुत तजर्बाकार कोच के ख्याल में हो सकता है ये इसलिए हो रहा हो कि खेल गुर्बत के खात्मे का रास्ता समझा जाता है। एंड क्वाइट नेचुरली का अब मैं क्या लफ्जी तर्जुमा करता, नेचुरली का मतलब होता है कुदरती तौर पे, क्वाइट का मतलब होता है काफी, क्वाइट हैप्पी काफी खुश। तो काफी कुदरती तौर पे अगर मैं इसका कर देता बहुत अजीब सा लगता। अब क्वाइट नेचुरली का कोई तर्जुमा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो क्वाइट लफ्ज था उसको इग्नोर कर दिया और कुदरती तौर पे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कुछ ऐसे मकाम है जहाँ पे आप अल्फाज को काट सकते हैं, मतलब तर्जुमे के वक्त आप उसको ना भी रखें बात हमारी पूरी हो जाती है। तो मैंने काफी कुदरती तौर पे करता कितना बुरा लगता है, इसलिए सिंपल कर दिया। कुदरती तौर पर नौजवान लोग अपने नॉट सही एंड क्वाइट नेचुरली यंग पीपल विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू इम्प्रूव देयर एंड देयर फैमिलीज लाइफ, अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तकरीबन कुछ भी करेंगे। सही है, विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग ना, तो विल डू है तो इसलिए करेंगे। तो बेटा वक्त बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बातें समझ आ गई होंगी। अगली क्लास में फिर आपसे गुफ्तगू होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।